हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल अंजलि कुकिंग में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के बहुत ही मुलायम सॉफ्ट टेस्टी पूड़िया, जिसे बच्चे भी बहुत इंजॉय से खाते हैं और बड़े भी। तो इस पूड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी लिया हुआ, बिल्कुल फ्रेश फूल गोभी है। तो सबसे पहले इसमें से हम कुछ गट्टे को तोड़ेंगे और इसका जो डंठल है उसे काट के हम निकाल लेंगे। इस पूड़िया को बनाने में गोभी के डंठल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें गोभी के फूल का यूज करना है। तो इस तरीके से हम गोभी को काट लेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को बना के ट्राई करिएगा, सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो फटाफट से इस तरीके से हम गोभी को तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए, आसानी से हमने इसे तोड़ लिया है। और तोड़ने के बाद जो ये गोभी है, इसको हम बारीक वाले कद्दूकस से क्रश करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे घिस लेंगे। बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनती है। इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही बारीक निकल रहा है ये इसे घिसने में। तो फटाफट से इसे हम घिस लेते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी ये छोटी सी रेसिपी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और तो यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है, जिसमें हम घिसे हुए गोभी को डाल देंगे। थोड़ा बड़ा सा ही बर्तन लेना है, जिसमें हम आसानी से आटे को लगा सके। तो गोभी को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हमने लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप टेस्ट अकॉर्डिंग, घिसा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक और घिसा हुआ प्याज। तो सभी चीजों को बारीकी काट पीस लेना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें ऐड कर देती हूँ गोभी के अंदर। एकदम चटपटी सी मसालेदार पूड़िया बनाने वाली हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चों को टिफिन में आप जरूर दे सकते हैं सुबह के टाइम बना के। इस सारे प्रोसीजर को आप शाम के टाइम ही कंप्लीट करके रखते और मॉर्निंग के टाइम पे बना के जरूर दे, बच्चे बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, एक से डेढ़ कटोरी के करीब आटा डालूंगी मैं। ज्यादा आटा नहीं डालिए, नहीं तो गोभी वाला टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे डेढ़ कटोरी आटा हमने डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा सा क्रिस्पी खसखस बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे, यहाँ पे मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ। थोड़ा घी का मैं भी दे सकते हैं आप, मैं थोड़ा रुक के घी डालूंगी इसमें। थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी कलर के लिए। यहाँ पे गरम मसाला एक चम्मच, जो मैं डेली यूज में सब्जी में यूज करती हूँ वही वाला मसाला है ये। और लाल मिर्च पाउडर अगर ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो ही डालें, बच्चों के लिए बना रहे तो स्किप कर दें, हरी मिर्ची ही रहने दें। अजवाइन एक चम्मच के करीब, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। सभी चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। हरा कटा फ्रेश धनिया हो तो जरूर डाल दें काट के इसके अंदर, इससे पूड़ियों में लुक और टेस्ट आ जाता है। तो हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे, जो आटा है गोभी के पानी से ही इकट्ठा हो जाएगा। हल्की फुल्की पानी की इसमें जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ देख सकते हैं आप। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं, एक से दो चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड करेंगे। इससे पूड़ियों में थोड़ा सा खस्तापन आ जाएगा। अभी गोभी के ही मतलब जो जूस है उसी से हम आटे को अभी लगा रहे हैं। तो इतना तक लग चुका है, देखिए अभी आटे इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के और एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। थोड़ा इस आटे को हमें सख्त लगाना है, बहुत ही लूज नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पे अब हाथों से इस तरह से मसलते हुए हमें गूंथना है इस तरीके से यहाँ पे।
इस तरह करते हुए हम गूथ लेंगे। तो यहाँ पे डो तैयार हो गया, इसे हम ढक के साइड रख देते हैं। 10 मिनट बाद आइए पूड़ियों को बनाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हमने चकले ले लिया है, जिसपे हम थोड़ा सा आटा तोड़ के ले लेंगे और इसे एक मतलब नींबू के बराबर हम आटे को तोड़ेंगे। पूड़ियाँ जो बनेंगी एकदम बारीक नहीं बनानी है, थोड़ी सी मोटी रखनी है। मोटी आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से नरम मुलायम सी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इसे गोल गोल बेल लेंगे, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इतना बड़ा जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो चुका है, मतलब मोटा मैंने इसे रखा है, साइज भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा भी हम बेल के इसी तरीके से तैयार करेंगे। दूसरा क्या, सारे पूड़ियों को हम सेम ही तरीके से बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं गैस के पास। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, जिसमें हमने ऑयल डाल दिया है। कोई सा भी ऑयल में तल सकते हैं, जो डेली यूज में आप यूज करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब फटाफट से इसमें हम डालेंगे पूड़ियों को और तल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसे हम बस एक चीज करना है फ्रेंड्स, पूड़ियों को बस आप हल्के हल्के से चमचे से दबाते रहेंगे तो वह आसानी से फूल जाएंगे। तो देखिए दबाने से ये होता है कि पूड़ी कैसी भी रहेगी तो जरूर फूल जाएगी। देखने में लग रहा है बिल्कुल भी नहीं फूलने वाली है, तो यहाँ पे देखिए फूल गई है अच्छे से। और इसे आप करंची बनाएं या सॉफ्ट बनाएं वो आपकी मर्जी है। देखिए इसमें गोभी का टेक्सचर भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो एकदम टेस्टी सी पूड़ियाँ बन के हमारी तैयार हो रही है गर्मा गर्म। आइए आपको भी खाना हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे पूड़ियों को हम सेम तरीके से तल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी आज की रेसिपी, गोभी की टेस्टी अमेजिंग पूड़ी। कैसी लगी कमेंट के थ्रू बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से इसी तरह से एक न्यू वीडियो एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तब तक के लिए आप सबको टेक केयर एंड बाय बाय।